यंगस्टर ना एक अलग एटीट्यूड लेके आता है, एटीट्यूड और आते जिस हैं, तरह का फ्लो और बातें कह रहे ना, बोल भी रहे कि लेवलों के साथ चलती है पंगल, और जब हम हाँ इनसे पूछे तो हाँ करेंगे एकदम कवर किस तरह की वर्डिंग यूज करता है यार डकैत भाई साहब, हिंदी के मतलब वर्ड। और अगर हम यंगस्टर की बात करें तो भाई फ्लो अच्छा है, बहुत सही जा रहे हैं। तो क्या चाल दगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, वी आर ज्वाल ब्रदर्स। हाई, आई एम प्रत्यूष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप व्हाट्स अप व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज कहीं ना कहीं हमने अपने उत्तराखंड के हिप हॉप सीन से एक गाने को पिक करा है, एंड गाने का नाम है गाइज लूट। और ये गाना तो थोड़ा पुराना गाना है, पर इसमें जो है गाइज, जो कोलैबोरेशन हुए हैं वो तीन आर्टिस्ट के हैं, जिसमें से आई थिंक एक तो डकैत हो गए जो हमारे उत्तराखंड से, बाकी एमसी अल्ताफ आपके गली गैंग से, यंगस्टा भी उधर से, दिल्ली से है, यंगस्टा हमारे दिल्ली से हैं। तो तीन जगह का ये कोलैब है गाइज, मुंबई, दिल्ली एंड देहरादून, राइट। और DHH का बहुत लिट सॉन्ग है गाइज ये। एंड एल्बम की बात करें तो ये गाना जो लूट है ये है चांदपार एल्बम से, म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड मिक्स मास्टर करा है सेज ऑन द बीट, एंड प्रोडक्शन हाउस है हमारा लिब्रन आर्ट प्रोडक्शन, लक्की का प्रोडक्शन है, एंड डायरेक्टर एंड एडिटेड बाय लक्ष्य कंडूरी एके लकी। तो गाइज, ये तो जानकारी थी हमारे आर्टिस्ट और उनके गाने के बारे में। अब थोड़ी सी जानकारी भाई आपको देंगे चैनल के बारे में, लेट्स गो। सो गाइस, वी आर बैक वंस अगेन, और इस बार भाई हम DHH की तरफ आए हैं, और DHH के तीन प्रोमिनेंट आर्टिस्ट आपके यंगस्टर डकैत और MC अल्ताफ का हम ट्रैक उठाया है लूट, और भाई चांदपार एल्बम से है। होप आप हमारा रिएक्शन एंजॉय करेंगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइस, हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, हम सारे प्लेटफॉर्म्स पर हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से उपस्थित हैं, तो जाके हमें वहां भी फॉलो करिए। और अगर आप स्पॉटीफाई पर पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो हमारी पॉडकास्ट भी रिलीज हो चुकी है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइस, तो चेक इट आउट। तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट करे बिना सीधे चलते हैं गाने की तरफ एंड करते हैं रिएक्ट। लेट्स रिएक्ट। लाइफ ये फेयर नहीं, ना किसी के कष्ट कम, कलाई पे जितनी भी कीमत सब पे वक्त कम, तभी रहते मस्त हम, तेरा बीट पे मैं दर्शन, स्थान मेरा प्रथम और पारू मैं अपरम, प्यार बहुत करूं रश कम क्योंकि सैनी लोगों के लक्षण, जानू बचपन से ही रंगमंच चलाता खेल पूरा सिंगल हैंडेडली जैसे ये शतरंज, पूरब से लेके पश्चिम बस राइम करने को रैप, क्यों तुम हो कहते जबरन, जब होता नहीं कुछ मतलब, ये पीछे करते हेट आगे मिलके कहते मच लव, लेबल्स करे गफलत पूछो तो करे कवर अप, फ्लो मेरा लगे मखमल, रेडी टू लॉन्च कर ले कुर्सी की पेटी बकला, यंगी और सेस तो है पहले से ही ट्रबल, और साठ डकैत तो बूम बैप पे लिखूं गजल, गाड़ी पसंद है मसल और कंपटीशन दू मसल, चले मूवमेंट और फुल पावर जब तेरी प्लेलिस्ट तो शफल, बीच वाली उंगली रखता मैं ऊपर दुनिया। यंगस्टर ना एक अलग एटीट्यूड लेके आता है, और जिस तरह का फ्लो और बातें कह रहा ना भाई, गफलत और इस तरह का मतलब वर्ड्स, प्रथम 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 गफलत और बूम बैप पे जब साथ है डकैत तो बूम बैप पे लिखू गजल, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और भी इन्होंने बहुत सही बातें बोली है, बोल भी रहे कि लेवलों के साथ चलती है हाँ, और हाँ, जब हाँ। हम इनसे पूछे तो करेंगे कवर अप कवर अप कवर अप करें, और बहुत बहुत सही सही शॉर्ट्स लिए हैं, लेवल्स पे भी शॉर्ट्स ले रहे हैं, यही यही यही। और मतलब एक तो सेज ऑन द बीट की यार, जो बीट ही शुरू हो रही है ना पहले, वो उस वो तो खैर है ही, सेज सेज की सेज हो गए, करर कंचन हो गए मुंबई साइड से, दिल्ली से सेज हो गए, और बहुत वहां से हिप हॉप सीन में यार, बहुत मतलब जिस तरह की बीट्स ये कंपोज कर रहे हैं ना, खास ये करण कंचन और ये, मतलब इनका हाथ पकड़ना मुश्किल है यार बीट कंपोजिशन में, और बहुत तगड़ा फेमस भी हो गए एज अ बीट प्रोड्यूसर, बहुत फेमस हैं दोनों यार, बहुत। अब लगा लो सेज ऑन द बीट ने तो अपना लेबल भी निकाल दिया, द मूवमेंट नाम से, उसी उसी उसका है, उसी का है, मूवमेंट के से ही है, मूवमेंट के थ्रू ही इन्होंने वो ट्रैक निकाला, पहने भी गए हैं जो मर्चेंडाइज भी पहन रखी है द मूवमेंट करके। तो भाई, और अगर हम यंगस्टर की बात करें तो भाई फ्लो अच्छा है, बहुत सही जा रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं शब्द हिंदी के कलेश शब्दों का प्रयोग करे, शायद इसलिए भी करे क्योंकि डकैत के साथ हुआ है, और हिंदी के काफी अच्छे वर्ड डकैत लेके आते हैं, तो बहुत अच्छे से उस चीज को वो करा है, और कहीं ना कहीं शॉर्ट्स भी ले रहे हैं, बता भी रहे हैं, एंड दैट मिडिल फिंगर की बारे में से उसको वो रेफरेंस भी दे रहे हैं कि भाई इस तरह से, क्योंकि वो डिससैटिस्फैक्शन दिख रहा है इन चीजों पे, उन्हीं बारे में वो बात कर रहे हैं गाइस। तो चलिए गाइस, रिएक्ट करते हैं आगे। परवानी रोल करू सुपर, बजे ये लूप पर, बजे ये आगे सारे झूम कर, जानी इंडस्ट्री सारी लूट कर, लूट
है मछिलू बची है मछिलू और हमें भूख पड़ी है मछिलू निशाना चूकते नहीं है मछिलू महफिले अभी लूटी गई है मछिलू 396 मछिलू कोई बयान न रहे लौंडे से आने से तो चूरी मेरे ध्यान में रहे मसूरी से मैं जान लेवा तू जान लेवे तू नहीं बंदा प्राण लेवे जब बीट करे प्रस्थान मेरे ठिकाने पे संभाले चला लेके ढाले कुछ उठा के शास्त्र बनाते थे मजाक पर आज मुझे बताते फक्र मदफकर एक से एक बढ़कर यहाँ एकत्र कारण वश मुझ जैसे बंदों को बनना पड़ता अब भद्र पर मेरा ये सत्र शुरू है वत्स मुझ पे हंसते वो है रहस्य हास्य पात्र जाने ना बेटा हिमालय में करूं तपस्या न जाने वो बंदे हैं छक फैले मेरे जाने ना मेरे वो तथ्य न जाने वो लड़ू मैं सच के लिए अनजाने में कर दूं हत्य रहे दुश्मन मेरे जिंदा सब तू कुछ पल इन्हें जिंदा न करे उठ कर मेरी निंदा जब खुद पर शर्मिंदा सब तू बैंगर्स इन्हें चिंता था बैंगर्स मैंने गिनता अब से बैंगर यंग लोडेड अप देवभूमि से इन द प्रस क्रीच वाली उंगली रखता मैं ऊपर दुनिया यार किस तरह की वर्डिंग यूज करता है यार डकैत भाई साहब हिंदी मतलब... के वर्ड्स का ना बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन क्योंकि हिंदी के जो शब्द होते हैं ना वो वैसे ही बहुत कठिन होते हैं और जब आप उनको सुनोगे ना और जब वो रैप में उतरते हैं ना भाई वो लेवल ही अलग सत्र विचित्र इस तरह के वर्ड यूज कर रहे हैं यार और बनना पड़ रहा है अभद्र फॉर मदरफकर इस तरीके के वर्ड यूज कर रहे हैं यार भाई साहब अरे यार तू किस तरह की मतलब रैमिंग स्ट्रक्चर देख और उसके बाद उन रैमिंग स्ट्रक्चर्स में अपने वर्ड्स बिठाना वो भी कलिष्ट हिंदी के भाई और वो देखो ना वो मैं आप उस दिन वही हम बात भी कर रहे थे वो पूरा कंप्लीट नहीं करा जाता नहीं शब्दों को रख दिया जाता है वो कनेक्टेड समझ आ जाता है छत्र अभद्र इस तरह के वर्ड्स बिल्कुल बिल्कुल तो वही उसी तरीके से कर रहे हैं वो भी तो यार डकैत भाई मुझे वही मैं कह रहा हूँ ना डकैत जिस तरह की कलिष्ट हिंदी यूज करते हैं डीएचएस सीन में उस तरह के बहुत कम रैपर्स हैं पर बहुत कम रैपर्स हैं उस तरह बहुत कम रैपर्स और बहुत सही इन्होंने यार यूके हिप हॉप सीन को ना बहुत सही बना दिया उत्तराखंड सीन को ना बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं दोनों ही डकैत भी और उनके साथ उनके जो दो पार्टनर हैं अनिकेत हैं और टू फिस्टेड तीनों ने नेक्स्ट लेवल यार नेक्स्ट बहुत अच्छा काम बहुत बढ़िया चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं एमसीएल परवानी रोल करूं सुपर बजे ये लूप पर बजे ये आगे सारे झूम कर जानी इंडस्ट्री सारी लूट कर है मछिलू बची है मछिलू और हमें भूख पड़ी है मछिलू निशाना चूकते नहीं है मछिलू महफिले अभी लूटनी गई है मछिलू पूरा बोला पारे तो जबड़ा तोड़ के आ रे खोला दिमाग 17 साल में तभी तुझसे मैं आगे तू जो सोचा लड़का गली का तुझसे ज्यादा कमा रे खुद का पैसा बना रे जब आपका बिजनेस संभाल बे पिस्टल नहीं रखते पास फिर भी तेरे में भेजे पे आया मेरे खिलाफ जो तुम वापस नहीं भेजेंगे शो पे गर्दी बहुत है आके हेटर्स भी देखेंगे फिर बिछड़ी तेरी गैंग जैसे वो घूम के मेले में रोल कर उस सुपर तो सब सुन लेते सुगंध साइड हट जा जल्दी ये देखो कि जो उन्होंने बातें कही ना कि देख गोली बंदूक हम बंदूक रखते नहीं पर फिर भी मैं तेरे भेजे पे हूँ तेरे शॉट ले रहा हूँ और कहीं ना कहीं तुम अपने बाप के पैसे और बिजनेस को आगे चला रहे हो पर हम लोग जो है हम खुद पैसे कमा रहे हैं अपनी हसल से वो भी फिर भी तुझसे ज्यादा कमा रहे हैं तो अभी तक जो ये बातें कही मोटी मोटी यही कही गई है और गजब यार बहुत एमसी अल्ताफ ना एक वो जो फिर वो पूरा मुंबईया वाला मुंबईया फ्लेवर आता है ना वो लेके आते हैं आप जब वो स्पिट कर रहे हैं तो आप उसके स्पिट से जान सकते हो भाई ये मुंबई का बंदा है और आप देखो ना गाइस तीनों के उसमें ना आपको तरीके मिलेंगे जब आप देखिए जब पैटर्न सी चेंज है जो यंगस्टर आ रहे हैं तो पता चल रहा है ये दिल्ली का रैपर है ये कोई दिल्ली का बंदा है फिर जैसे ही डकैत है पता चल रहा है उत्तराखंड का रैपर है कोई ना कोई राइट और जैसे ही एमसी अल्ताफ आए पता चल गया भाई ये मुंबई बेस्ड रैपर है क्योंकि आप देखो ना लिखने के तरीके अलग है और लिखने के तरीके अलग हैं पैटर्न स्पिटिंग स्टाइल अलग है और एक यूनिक आइडेंटिटी है अपने स्टेट की जो कैरी कर रहे हैं अब आप उसको अगर देखोगे डकैत को तो वो मसूरी की बात कर रहे हैं केदारनाथ की बात कर रहे हैं कलिष्ठ वर्ड मार रहे हैं अभद्र और इस तरीके के तो वो चीजें ना इनको डिस्टिंक्ट और यूनिक बनाती है बिल्कुल बिल्कुल चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं निकला इंडस्ट्री लूट कर म्यूजिक को मेरे लूप कर मूवमेंट और अल्ताफ साथ में छोटे तू जल्दी मूव कर मूव चुमता नहीं निशाना करू शूट जल्दी पचता नहीं खाना बड़ी भूख मेरी शक्ल देख के टीवी पे वो हो जाते हैं चुप अभी उतरा नहीं गुची पे सरकार ने लूटा खूब छोटे बीच वाली उंगली रखता मैं ऊपर दुनिया की परवानी रोल करू सुपर बजे ये लूप पर बजे ये आगे सारे झूम कर जानी इंडस्ट्री सारी लूट कर लूट है मछिलू बची है मछिलू और हमें भूख पड़ी है मछिलू निशाना चूकते नहीं है मछिलू महफिले अभी लूटनी गई है मछिलू ऊपर एंड बची लूट
बंदे हम भूखे काफी सारी मच्छी लूट मतलब हुक बहुत क्रेजी हुक लिखा हुआ है और बहुत ही कैची हुक लिखा है बहुत कैची और गाइस हुक का होता है अगर हुक कैची और थोड़ा सा मजेदार ना हो ना तो गाने को थोड़ा डाउन हो जाता है वो गाने को बहुत नेक्स्ट लेवल आपका वही हुक पहुंचाता है क्योंकि रिपीट होता है बार बार रिपीट होता है और कहीं ना कहीं व्यूअर्स और लिसनर के मुंह पे आपका सबसे पहले जो हुक होता है ना वही चढ़ता है वही चढ़ता है क्योंकि जरूरी नहीं है कि हुक पूरा रैप ही हो ज्यादातर कभी कभी कोरस में भी जाते हैं लोगों को लाइनें याद हो जाती हैं वो थोड़ा कैची होती हैं आपने इसलिए देखा होगा कि जितने भी आर्टिस्ट अपने हुक रखते हैं ना वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखते सिंपल और कैची रखते हैं और बाकी वर्सेस में वो अपनी सारी कलाकारी दिखाते हैं वो इसीलिए क्योंकि एक हुक ही ऐसी चीज है जो बार बार रिपीट होगा और रिपीट होगा तो मतलब ये लोगों के मुंह पे चढ़ना चढ़ेगा तो बहुत बहुत सही गाना है गाइस बहुत सही गाना है तीनों का कोलाब बहुत ही तगड़ा है और तीनों ने अपना पूरा जिसे कहते हैं एक्सपर्टीज दिखा दी है पूरी की कितना सही एक्सेल करते हैं रैप वर्ल्ड में राइट तो बहुत ही बढ़िया गाना है गाइस हमें तो बहुत मजा आया होप आप लोगों ने भी ये गाना सुन रखा होगा अगर नहीं सुना है तो जाके आप इसे ऑफिशियल चैनल में जाइए और इसे चेकआउट करिए हमारे आर्टिस्टों के एंड गाइस बहुत मजा आ रहा है इस गाने को सुन के होप आप भी इसको इंजॉय करेंगे और इसका जो रिएक्शन है वो मिलेगा आपको सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर तो आइए गाइस और हमारा रिएक्शन भी चेक करिए बताइए आपको कैसा लगा और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक अच्छा सा कमेंट या एक हार्ट इमोजी जरूर ड्रॉप करिएगा गाइस राइट तो चलिए गाइस हम फिर वापस आएंगे बिल्कुल नए और बिल्कुल फ्रेश रिएक्शन वीडियो के साथ टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ जय हिंद जय श्री राम।